नमस्कार और आप देख रहे हैं सीटियोग न्यूज। देश दुनिया की बड़ी 20 खबरों के साथ मैं करिश्मा सिंह। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बेच रहे हैं ड्रग्स, फोन से गर्ल्स स्टूडेंट के अश्लील वीडियोस मिले, सिक्योरिटी चीफ गिरफ्तार। मॉस्को में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, रूस बोला हमने आतंकी हमले को नाकाम किया, कल जेलेंस्की ने की थी बदले लेने की बात। सूडान में एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हुआ, 9 की मौत, मरने वाले 4 सैनिक, हादसे की वजह तकनीकी खराबी। इमरान की वजह से पाकिस्तान का मजाक बन रहा, बाइडेन के एडवाइजर बोले जहां से मदद मिलती है वहां से रिश्ते बिगाड़ लेता है देश। पुतिन से मिले बेलारूस के राष्ट्रपति, प्रिगोजिन की बगावत के बाद पहली मुलाकात, कहा बैगनर के लड़ाकों ने परेशान कर दिया है। जल्द नहीं सुधरेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी, अमेरिका ने कहा IMF की शर्तें मानी तो हालात बेहतर होंगी, टेररिज्म उनके लिए बड़ी परेशानी। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन, हिमाचल में कुछ जातियों को SC में शामिल करने वाला बिल पेश होगा, विपक्ष की मांग, मणिपुर पर भी हो चर्चा। दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशान से ऊपर, 15 घंटे में 1 मीटर बढ़ गया पानी, पालघर में एक शख्स नदी में बहा। ज्ञानवापी का ASI सर्वे, 2 घंटे में परिसर की नपाई की, न्यू के पास मिट्टी निकाली और पत्थरों के सैंपल लिए, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। BJP विधायक बोले मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार शामिल, थोरवुंग में 36 घंटे से फायरिंग जारी, महिलाओं का वीडियो वायरल होने से मिजोरम में दहशत। ड्रग तस्करों की मदद से फंड जुटा रहे खालिस्तानी आतंकी, NIA ने चार्जशीट में आतंकियों की भर्ती और इंटरनेशनल लिंक का भी खुलासा किया। विनेश बजरंग पर योगेश्वर दत्त का गुस्सा फूटा, ट्वीट किया अंतिम पंघाल और काली रमन ट्रायल जीते, इनकी वजह से आगे नहीं खेल पाएंगे। सावन का तीसरा सोमवार आज, देवघर में 3 किलोमीटर लंबी लाइन, गरीबनाथ मंदिर में रात 12 बजे से खड़े श्रद्धालु, समस्तीपुर में 50,000 भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। छात्रों का फ्री सैनिटरी पैड मामले की सुनवाई आज, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार इस मामले में पॉलिसी बनाए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने साउथ कोरियन यूट्यूबर से रिश्वत ली, ट्रैफिक रूल तोड़ने का आरोप लगाकर 50,000 हड़पे, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड हुआ। डर की वजह से मिजोरम छोड़ रहे मैतई, एयरफोर्स ने कहा राफेल में भारतीय मिसाइलें चाहिए। बरेली में कांवड़ियों पर पथराव, वनखंडीनाथ मंदिर के पास पत्थर फेंके गए, कांवड़ियों ने पीलीभीत हाईवे जाम किया। रोशन फैमिली की लेगेसी पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, दिखाई जाएगी 3 पीढ़ियों की जर्नी, खुद राकेश रोशन करेंगे प्रोडक्शन। इंडियन रेलवे में निकली वैकेंसी, 21 अगस्त तक करें अप्लाई, 61,000 से अधिक मिलेगी सैलरी। दूसरा टेस्ट जीतने के लिए भारत को 8 विकेट चाहिए, वेस्ट इंडीज को 289 रन की जरूरत, सिराज ने झटके 5 विकेट, रोहित ईशान की आतिशी 50। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सीटीयू न्यूज।